बरधा जो गांव है मुंगेर का, ये तो फेमस है इसी चीज़ के लिए, और वहाँ पे कई सारी इस तरह से उद्भेदन हुआ है, कई लोग जेल जा चुके हैं अलग अलग ज़िले में। यहाँ के लोग, मुंगेर के लोग जो पकड़ाते हैं वो बरधा गांव के निकलते हैं। दीपक सिंह की हाल में अरेस्टिंग भी हुई थी, लेकिन मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन नहीं हो पाया। जो रॉ मटेरियल था यहाँ पे ला के बनाते थे, और जो अभी इनिशियल पूछताछ में सामने आया है वो करीब 20 से 25 हज़ार में एक पिस्टल ये लोग बना करके तैयार करके बेचते थे। अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री आज उद्भेदन किया गया है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण एसपी ने इसका उद्भेदन किया है, और यहाँ पर ग्रामीण एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है जरा देखें। सूचना है हम लोगों को, जो बता रहे हैं कुछ महीने से ये लोग चल रहा था, और दीपक सिंह की हाल में अरेस्टिंग भी हुई थी, लेकिन मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन नहीं हो पाया था। उसके बाद गुप्त सूचना मिली तो हम लोग रेड करके ये चीज की। कुछ महीनों में कितने हथियार का सप्लाई इन लोगों ने किया, कितने बनाया गया, कितने में मुंगेर से लाते थे और पटना में कितने में सप्लाई करते? जो रॉ मटेरियल था यहाँ पे ला के बनाते थे, और जो अभी इनिशियल पूछताछ में सामने आया है वो करीब 20 से 25 हज़ार में एक पिस्टल ये लोग बना करके तैयार करके बेचते थे। हाँ, इनका संगठित गिरोह है जिसके बारे में इंटरोगेशन की ज़रूरत है। अभी हम लोग और इस पर इंटरोगेशन कर रहे हैं, और इसके ग्रुप में और कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। सर, मुंगेर का कनेक्शन बार बार पटना में सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं मुंगेर के लोग अब पटना में भी इस तरह के कारोबार से जुड़े हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ अगली रणनीति तैयार की जाए? देखिए, मुंगेर में भी लगातार इस पे कार्रवाई हो रही है, और लगातार वहाँ भी पिस्टल और अवैध हथियार पकड़ाया जा रहा है। इसमें हम लोग वहाँ पे जो लोकल मुंगेर पुलिस है उनसे समन्वय स्थापित करके, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि जो वहाँ के लोग अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई करते हुए इस पे रोक लगा सकें। ग्रामकों तक भी पहुँचेगी पुलिस, इनके ग्रामकों तक भी? हाँ, इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि अब तक इन्होंने किस किस को सप्लाई किया है, कहाँ कहाँ इनके कनेक्शंस रहे हैं, उन सब पे हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये अभी किस जो बताया इनिशियल पूछताछ में पिछले 3-4 महीने से चल रहा था ये, तो उसी हिसाब से ये जो पिस्टल बनाए होंगे वो हम लोग इस पे पूछताछ कर रहे हैं। मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे गिरोह का? इसमें देखिए, क्योंकि घर जो था ये दीपक सिंह का घर है, जो कि 1 महीने पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, अभी वर्तमान में जेल ही में है, उसी के घर का उपयोग हो रहा था। तो इसमें कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मुंगेर के लोग आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दीपक सिंह तो यहाँ का लोकल है, तो उसी के द्वारा इसमें किया जा रहा था, लेकिन सहयोग जो है मुंगेर के लोगों का लिया जा रहा था। दीपक सिंह और इन दोनों में कैसे जान पहचान हुई है? फिर से पूछे, इन दोनों में जान पहचान कैसे, दीपक सिंह और इन दोनों? इस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों का लिंक हुआ, कब से ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। सर, पहले जैसा गन फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे थे? उस बिंदु पे ये लोग तो, क्योंकि बरधा जो गांव है मुंगेर का, ये तो फेमस है इसी चीज़ के लिए, और वहाँ पे कई सारी इस तरह से उद्भेदन हुआ है, कई लोग जेल जा चुके हैं अलग अलग ज़िले में। यहाँ के लोग, मुंगेर के लोग जो पकड़ाते हैं वो बरधा गांव के निकलते हैं, तो ये पहले से ही बरधा गांव उस तरह से रहा है। तो हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कितने समय से ये लोग इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, और कहाँ से ये लोग ये चीज़ सीखते हैं। मुंगेर से आकर ये पटना में हथियार बनाते थे या वहाँ से लेके आते थे, तो क्या इन लोग को पैसे मिलते थे या फिर सैलरी पर थे या फिर इन्हें क्या कुछ? नहीं, इनको तो जैसा ये लोग बता रहे हैं कि जितना हथियार ये लोग बनाते थे उस हिसाब से इनको पैसा मिलता था, रॉ मटेरियल ला करके यहाँ पे इसको बनाया करते थे। ऐसी बात है कि ग्रामीण एसपी ने जानकारी दी है कि गौरीचक थाना अंतर्गत, गौरीचक थाना को एक गुप्त सूचना मिलती है कि एक घर के तहखाने में मिनी गन फैक्ट्री है, जिसमें कि 30 से 40 गन को यहाँ पर बनाया जा रहा था, और दो बनाने वाले कारीगर भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर से पटना पुलिस ने दो कारीगरों को भी हिरासत में लिया है, और जिसका यह मकान था जिसका नाम दीपक है, वह पहले से भी आर्म्स एक्ट में अभी जेल में बंद है। वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर पिस्टल बनाने के काफ़ी सारे सामग्री भी यहाँ पर जब्त किए गए हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसको भी यहाँ पर आर्म्स बनाए जाते थे उसे बिहार से बाहर भी बेचे जाते थे, और कहाँ कहाँ बेचे जाते थे वो इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।